गौर फरमाइएगा, द लैंड ऑफ ब्रेव हार्ट्स। ये हम पहुंच गए लोंगे वाला। लाहौर यहाँ से 809 किलोमीटर, कराची 696। इस जगह के ऊपर कौन सी मूवी बनी अगर बता दिया ना तू, तो तेरे को मेरी तरफ से पार्टी। बॉर्डर के ना 700 मीटर पहले ये रुका देते हैं, लेकिन हमने जो परमिशन लिया है वो बॉर्डर के तार तक लेके जाएगा। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद खान, वेलकम टू माय YouTube चैनल। नमस्ते, हमारी सलीना, इसको हमने ढक दिया था क्योंकि कल दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था, इसलिए ढक दिया ताकि थोड़ा सा बचे रहे। ये सुबह 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 होगा 8:30 बज रहे, कितने टाइम हो रहा है? 8:05। ब्रेकफास्ट आ चुका है, ब्रेकफास्ट में पोहे। मुझे कॉल आ गया ऑफिस से, मैं जाके आता हूँ। लग तो रहा है कल से दो बार जाके आऊंगा। मटन खाया था ना? मटन खाया था, लेकिन ज्यादा बैठा हो निकल रहा नहीं है। फाइबर नहीं खाता ना, इसलिए मेरा निकला। पर दो बार ऐसा खाली कह रहा, पेट में दुखने लगा। टाइम भी दिया, ठीक सुबह सुबह टट्टी उट्टी की बातें नहीं, दोपहर में कर लेंगे, ठीक है। सूरज ऊपर आ गया तो भी अच्छा लग रहा है। हम जहाँ रुके हैं ना, ये पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर है, बट हम और नजदीक जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के। तू कभी कोई नजदीक बॉर्डर में गया है? नहीं, मैं तो कितना दूर रहता हूँ बॉर्डर के। तुम भी नहीं गए ना? नहीं, फर्स्ट टाइम। इन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है, लेकिन अपन तो आ चुके हैं। एक्साइटमेंट है वो बॉर्डर्स देखने की। पहले तो कैसा है कि थोड़ा स्पेशल परमिशन लेना पड़ता था, अभी कैसा है कि वहाँ पर जाके ही। आधार कार्ड लाया? मेरे पास नहीं भाई। तो फिर बिना आधार कार्ड के एंट्री कैसे मिलेगी? क्या बात कर रहे? या कोई और डॉक्यूमेंट है? और डॉक्यूमेंट लाओगे? भारतीय हो? हाँ हाँ, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस। उसमें हवा भराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कल जो हमें लग रहा था कि हमारा टायर पंचर हुआ, एक्चुअली वो पंचर नहीं हुआ है, सिर्फ इसमें हवा पूरा फ्लैट हो गया था। हमने फिर भी सेफर साइड के लिए ये वाला जो व्हील है ये चेंज कर दिया, और ये चेंज किया था मुराद भाई ने, थैंक यू मुराद भाई। आज हम अपनी BMW S1000 RR नहीं निकालेंगे, क्योंकि तनोट माता के मंदिर के आगे हम बाइक लेके जा नहीं सकते, इसीलिए कार से। जब बाइक लेके जाने नहीं देंगे तो फिर बाइक लेके क्या मतलब। गौरव जी और शफीक को मैंने वो गाड़ी में बैठा दिया, क्योंकि ये गाड़ी में बहुत ही ज्यादा हवा कम है। पहले हम सम विलेज जाएंगे, वहां पर जाके हवा भराएंगे। कल जो फॉर्च्यूनर में मैंने मजे लिए ना, वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम। बट हवा कम होने की वजह से ना गाड़ी थोड़ी अजीब फील हो रहा है। हवा कम था जब हम ड्यून्स में चला रहे थे तब ठीक था, बट अभी रोड पे ना वो फील हो रहा है। मुराद भाई, और कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी हवा भरा जा रहा है। कासम भाई, ये सम विलेज है? हाँ, ये सम गांव है, लास्ट गांव है बॉर्डर का। आपका गांव? हमारा गांव। देखो, अगर सम घूमने के लिए आओगे और आपको सम के बारे में ज्यादा पता नहीं है ना, तो कासम भाई को ज्यादा पता है। यहाँ पर आके भटकने से अच्छा है सीधा कासम भाई के पास आ जाओ। कासम भाई के पास आ जाओ। कासम भाई तुम्हारी सारी गूगल मैप पे कासम भाई असम की। हाँ, कासम डेजर्ट सफारी गूगल पे सर्च करो, कासम भाई आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे। मिल जाएंगे सम में भाई, नाम ही कासम भाई का है, लास्ट में कासम। कासम कासम। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, टायर का काम एकदम complete। कल जिस तरह से हमने मचाया था, ऐसा लग रहा था कि हमने गाड़ी का कुछ तो अंजर पंजर ढीला कर दिया है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। टायर वायर एकदम सब प्रॉपर हो गया, हवा भी एकदम हमने फुल करवा दिया, 33 रखा है। कल तो रात में ऐसा लग रहा था कि भाई हो गया, कहीं जाएंगे। पूरा हिला दिया कासम भाई ने, पूरा सेट कर दिया कासम भाई और मुराद भाई। बस कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं, और आते आते हमने क्या रोड एक्सपीरियंस किया है। सीधा सीधा सल्लम सल्लम स्मूथ, जस्ट लाइक अ सिल्क, जस्ट लाइक अ सिल्क। ये देखो सामने से कैट ने, जस्ट लुकिंग लाइक कैटवॉक। ला इसको शूट करो, रैंप वॉक कर रहा है। जस्ट लुकिंग लाइक अ बैल। राइट साइड में ड्यून्स, लेफ्ट साइड में ड्यून्स, और इन ड्यून्स के बीच में लोगों के घर हैं, और घर भी मतलब झोपड़ी। मतलब पहले पहले जब हम सम गांव से निकले थे ना, तब तो ऐसा था कि पत्थर वाले ऊपर जो है वो, ये जो झाड़ियां दिख रही है वो झाड़ियां जब सूख जाती है उसको ऊपर रखते हैं, तो वैसे वो लोग ने घर बनाया। और हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पर एक्सट्रीम जब गर्मी होती होगी तो लोग कैसे रहते होंगे। वो जो घर होता है, ऐसा कहते हैं कि वो जब गर्म होता है तो अंदर से ठंडा होता है वो, और जब ठंड होता है तो अंदर से गर्म हो जाता है, वैसा सिस्टम है। बट कैसे लोग रहते हैं यार। अभी भी हम लोग अंदर बैठे हैं तो मस्त AC चल रहा है, लेकिन बाहर जैसे निकलेंगे फिर चटके लगने लगेंगे। 24 से बाहर 24 है, लेकिन लग नहीं रहा है बाहर 24। हवा ठंडी चल रही है बट धूप जो है वो कड़ा है एकदम। कासम भाई की गाड़ी में मुराद भाई है, कासम भाई है, और एक आर्मी ऑफिसर भी है, लिफ्ट दे रहे हैं कासम भाई। मुझे लगा कि हमारे गाड़ी में भी बैठेंगे। मुझे अच्छा लगता कि अगर वो मेरे गाड़ी में बैठते मैं बोल सकता था कि यार आर्मी ऑफिसर को हमने अपनी गाड़ी में बैठा है। तो
गौर फरमाएगा। द लैंड ऑफ ब्रेव हार्ट्स, ये हम पहुंच गए लोंगेवाला। यहाँ पर म्यूजियम है, टैंक्स हमें दिख रहे हैं। लास्ट है मुझे याद है हम लोग आए थे ये वाले रास्ते से, इस बार हम लोग आए हैं ये वाले रास्ते से। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं एक टैंक है, ये भी टैंक है, ये हमारा टैंक है लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। हम जाएंगे म्यूजियम के अंदर। लाहौर यहाँ से 809 किलोमीटर, कराची 696, इस्लामाबाद 1096, मुंबई पहुँचने के लिए भी 1000 किलोमीटर लगेगा हमें। भारत का आखिरी कैफे। हमारा तिरंगा क्या शान से लहरा रहा है यहाँ पर, और उसके लहराने की आवाज भी आ रही है। ये ओरिजिनल फोटो है उस टाइम की। इस जगह के ऊपर कौन सी मूवी बनी अगर बता दिया ना तू, तो तेरे को मेरी तरफ से पार्टी। बॉर्डर ही होगी। बॉर्डर ही होगी। सामने तेरे पोस्टर नहीं दिखा तेरे को? एकदम आइकॉनिक मूवी है भाई। सो ये है कैफे। कैफे का जो डिजाइन है ना, बहुत ही क्रिएटिव। ये ड्रम है, ड्रम को काट के बैठने के लिए कुर्सी बनाया गया। क्रिएटिविटी, कंफर्टेबल है, मस्त है। वहाँ पर देखोगे तो ड्रम का टेबल भी बनाया गया है। किसने बनाया ये? चलो मुराद भाई ने टिकट ले लिया। म्यूजियम का टिकट है? बिल्कुल म्यूजियम का। ठीक है, इन लोग कहाँ गए? अरे फोटोशूट चल रहा है इनका। ए, ये बॉय पाकिस्तानी टैंक के सामने फोटो खींचे जा रहा है। ये उसका कुछ तो शायद हिस्ट्री है। ये आ गए हम म्यूजियम के अंदर। ये उस टाइम की पानी की बॉटल थी, डू नॉट टच। उजाले के लिए बिजली द्वारा चलने वाला लालटेन। वाह, ऐसा लग रहा था कैमरा ही है। ये कंपास, और ये उस टाइम के जो हमारे वीर लोग थे, ये उनकी तस्वीर। शफीक, इनको जानते हो? सैम बहादुर। अब तो मूवी आ गई, सभी पहचानेंगे। सैम इज हियर। मजा आया देखिए। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। थोड़ा भावुक हो गए, भावुक हो गए ना, देशभक्ति आ गई अंदर से। अभी हम जब आए थे यहाँ पर तब इतने लोग नहीं थे, लेकिन जब हम जा रहे हैं तो ज्यादा लोग आ चुके हैं। यानी कि हम जल्दी आए थे, हमें लग रहा था कि हम लेट हैं, क्योंकि हमेशा हम लेट होते हैं। जल्दी आए, अब ऐसा नहीं होता। अभी नहीं होता, अभी आप टाइम के एकदम अच्छे हो गए ना, मतलब पक्के हो गए। डिसिप्लिन सब चीज धीरे धीरे आ रही है लाइफ में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एमएसके, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एमएसके। रोड बढ़िया है, रोड का जो काम हुआ है ना, बहुत बढ़िया काम हुआ है। 37 किलोमीटर लगेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। गाड़ी हमने यहाँ पार्क की है, और कासम भाई ने एक मस्त लोकेशन में हमें रुकाया है फोटो वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पर डालेंगे। वहाँ पर भी लुक कर रहे हैं, क्या मस्त शूट कर रहे हैं। MSK_1991 क्या लोकेशन है यार, हर जगह पे ऐसा लग रहा है कि एक बढ़िया फोटो आ सकता है, लेकिन हम ज्यादा फोटो लिए नहीं। अभी हमें आगे भी जाना है और लेट भी हो सकता है, इसलिए हम जल्दी निकल रहे हैं यहाँ पर। फील अलग है, और अभी जहाँ पर हम पहुंचे ना, यहाँ पर ड्यून्स काफी ज्यादा दिख रहे हैं, झाड़ियाँ इतनी नहीं दिख रही है, तो फोटोज की जो क्वालिटी है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है भाई। इनके भी इंस्टाग्राम पे भी मस्त मस्त फोटोज आएंगे अभी। ये जो आपने एकदम खतरनाक शॉट देखा है ना, ये शॉट लिया है मुराद भाई ने। भाई हमारे दिल की मुराद थी कि अच्छा शॉट आए। इस पूरे ट्रिप में आपने जो बाइक के शॉट देखे ना, किलर किलर, वो लिया है गौरव जी ने। पहले ये जिम्मेदारी दी गई थी इनको, इसने हक दिया। गौरव जी ने जो शॉट लिया है ना, मेहनत कर करके बाहर निकलने का, 100 की स्पीड में गौरव जी बाहर निकले हैं, हवा से लड़ रहे हैं। बता थोड़ा एक्सपीरियंस अपना। 100-120 की स्पीड में था, और ऐसा लग रहा था कि हवा यहाँ से इंटर करी और यहाँ से जा रही। कादर खान की तरह हो रहा था क्या, लाइट मारने से वहां से निकल रहा था। तेरे कान में से तो लाइट हर बार जा रही है। तो हम तनोट पहुंच गए, सामने मंदिर है। अभी हमें बॉर्डर पे जाने के लिए परमिशन लेना होता है, जो हम लेने के लिए जा रहे हैं अभी। भैया बिग फैन। क्या नाम है मेरा? एमएसके व्लॉगर।
ये है जी बॉर्डर पास, इसको फिल करना होता है, फिल कर देते हैं इसको। मेरे मित्र हैं बहुत भाई की तरह। ये डेविड भाई हमारी तरफ से फॉर्म फिल अप कर रहे हैं, और डेविड भाई ने बोला कि ज़ूम करके लेना थोड़ा। सर सफेद बाल आ जाएंगे मेरे दाढ़ी वाले, इतना ज़ूम ही मत करना। डेविड भाई बढ़िया व्लॉग बना, बढ़िया कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। अच्छा जैसे अभी आपने हमारे लिए फॉर्म फिल अप करके दिया, अगर कोई हमारा ऑडियंस देख के आए तो उसको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आके कैसे उसको परमिशन मिलेगा? काउंटर पे फॉर्म मिलेगा अभी, फॉर्म फिल अप करके फिर उन्हीं को देना है, उन्हीं को जमा करवाना है। सिंपल है, सिंपल है। पैसा लगता है? नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं लगता, सब फ्री है। फर्स्ट टाइम आया था तभी ये बात पता नहीं थी, अभी ये बात पता चली कि यहाँ पर फॉरेनर्स नॉट अलाउड, चाहे आप बांग्लादेशी हो या कोई भी कंट्री से हो, यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तानी। ठीक है, अभी हमने फॉर्म फिल अप कर दिया है, सबमिट करना है, लेकिन उससे पहले हम मंदिर जाएंगे। तनोड माता मंदिर है, ये रुमाल वाली देवी, मनसा माता भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे जो रुमाल बांधे गए हैं, इनका कहना है कि जो मन्नत मांगते हैं वो रुमाल बांध देते हैं, हाँ। और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वो निकालने के लिए वापस खोलने लाए रुमाल। आइडिया ये तो मुझे भी नहीं पता। तनोड माता वाला जो जगह था वहाँ पर हमने जो बॉम्ब देखे थे वो अभी भी एक्टिव है, जीवित है ऐसा कहते हैं। तो यहाँ की हिस्ट्री ऐसी है कि जब वॉर हो रही थी 1965 में ना, तो काफी सारे बॉम्ब गिराए गए थे उस तरफ से, जब यहाँ पर आए थे ना वो फटे नहीं, माता की कृपा। और जितने लोग यहाँ पर नहीं आ सकते इतना दूर ट्रैवल करके, तो हमारे ब्लॉग के थ्रू आप दर्शन कर लीजिए और मन्नत मांग लीजिएगा। ओके, तो ये है विक्ट्री पिलर, जब लड़ाई जीती थी उसकी याद में बनाया गया है। अभी हम जाएंगे बॉर्डर के पास, और बॉर्डर के ना 700 मीटर पहले ये रुका देते हैं, लेकिन हमने जो परमिशन लिया है वो बॉर्डर के तार तक लेके जाएगा, वहाँ पर शूटिंग अलाउड नहीं है। कुछ करते हैं हम आपके लिए। ये सामने पहला चेक पोस्ट है जहाँ पर हमें गाड़ी का बॉर्डर पास दिखाना होगा, इनका हो गया, अभी शफीक दिखा रहा है। हाँ शफीक, क्या खबर लाओ? टनोट हो गया चेक पोस्ट, दो और है, जब जाएंगे रिटर्न तब एक होगा, मतलब टोटल चार होगा जाने से आने तक, लास्ट एक टनोट वापस मिलेगा चेक करने के लिए। ये जो भी बोल रहा समझ नहीं आ रहा है, जाते टाइम तीन मिलेगा, अभी एक हो गया, उसके बाद दो और मिलेगा, दो और मिलेगा, लास्ट वाला जब वापस पहुंचेंगे ना वो एंट्रेंस होगा एग्जिट वाला। अच्छा, वेलकम वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर। मैं आता हूँ तो बारिश लेके आते हैं। हाँ, आप बारिश लेके आते हैं। जैसे मैं जब पहुंचा था तो बारिश हुई थी, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। होगी नहीं, होने वाली है, हवा तो बहुत ज्यादा ठंडी होगी। बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, लेकिन एक्चुअल जो फेंसिंग है उससे कितना किलोमीटर दूर होगा? 700 मीटर। हाँ, ये जो एरिया है ये पब्लिक के लिए अवेलेबल है, उसके आगे जाना हो तो फिर नहीं, उसके आगे फिर डेविड भाई का जुगाड़ चलेगा, आसम भाई का जुगाड़ चलेगा। ये जो बोर्ड लगा हुआ है यही मेन अट्रैक्शन है, यहाँ का लोग यहीं आते हैं, यहाँ पर फोटो खिंचा के जाते हैं। और यहाँ से हमें ना पाकिस्तान का झंडा दिख रहा है, वहाँ पे जो उनका वॉच टावर है वहाँ पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है। यहाँ पर आने के बाद अगर आप ये सोचोगे कि आप अकेले खड़े होकर यहाँ फोटो खिंचा सकते हो, तो नहीं, यहाँ बहुत लोग मिलेंगे आपको। हमें इसके आगे और जाना है, टूरिस्ट यहाँ तक आ सकते हैं। तो अभी हम गए थे वहाँ पर चेक पोस्ट पे, उन्होंने हमें बोला कि थोड़ा घूम के आओ, तो हम घूमने के लिए आए हैं। शायद यहाँ पर स्टेज शो चलता होगा, और ये टावर बनाया गया है, यहाँ पर हम जा सकते हैं, तो यहाँ जाके आपको हम ऊपर से दिखाएंगे। बट उन्होंने मना क्यों किया हमें, घूम के आओ क्यों बोला, ये हमें समझ में नहीं आया। फिर भी शायद हमारे पेशेंस का वो टेस्ट ले रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम मन बदल रहे, ठीक है यार नहीं जाना, शायद वो चेक करना चाहते हैं हमें, लेकिन ठीक है, जाने मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। यहाँ तक आ गया, हमें यहीं से फेंस दिख रहा है पूरा, और ये दो माले का बिल्डिंग है। है वो बॉर्डर नहीं, एक्चुअली वहाँ पर जो पिलर है, पिलर नंबर 609, वो एक्चुअल बॉर्डर है। तो बॉर्डर से थोड़ा सा पीछे हमने फेंस बनाया है, जैसे ये जो वॉच टावर है ऐसे और जगह जगह पे वॉच टावर आपको मिलेंगे, वो पाकिस्तानी वॉच टावर जिसके ऊपर फ्लैग। ऑलराइट जी, बॉर्डर के करीब तक गए थे हम लोग, मस्त देखा, बहुत फील लिया, पहली बार गया था। हाँ भाई, कैसा लगा? बिल्कुल सुनने वाला
दिल को छूने वाला। गौरव जी कैसा रहा एक्सपीरियंस पहली बार? अच्छा, मेरा तो दूसरी बार है, तुम लोग को पहली बार है। करीब से किसी देश को देखना, को देखना और किसी देश को देखने का, वैसा देश जहाँ पर लड़ाइयाँ बहुत डिप्लोमेटिक बहुत ज्यादा है। नहीं तो हम तो नेपाल बॉर्डर भी देख चुके हैं। नेपाल बॉर्डर पे वो फील नहीं आएगा जो फील यहाँ पर आएगा। बॉर्डर के पास ये लोग जो फील कर रहे हैं ना, वही सेम फील मैंने किया था जब मैं फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पर। वहाँ पर पहुँचने के बाद में वो सारे वॉर्स और जितनी भी कहानियां सुनी थी वो सब ऐसे दिमाग में फ्लैश होने लगी। थोड़ा टाइम के लिए मैं एकदम शांत हो गया था कि यार ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी जाने दी है, कुर्बानियां दी है देश के लिए, वहाँ के लोगों ने भी, यहाँ के लोगों ने भी। ये जो लकीरें खींची गई है ना, बस ये लकीर है जो लड़ाइयाँ करवा रही है। अगर ये लकीर नहीं होता तो हम भाई भाई होते, एक ही देश होता, एक ही बहुत बड़ा देश होता। हाँ, बहुत बड़ा देश होता। हमारे पास क्या क्या नहीं होता, बहुत कुछ होता। मैं कभी भी कंपटीशन में बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ कोलैबोरेशन में। पता नहीं कभी ऐसा हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कभी ऐसा होगा कि अखंड भारत हम देखेंगे, बट अगर हो जाए ना तो फिर तो बढ़िया हो जाए। अखंड भारत का सपना तो देखते ही है। मैं तो मतलब अपना ही देश मानता हूँ, क्योंकि भाई सब रहन सहन सब यही है, अपना ही भारत का हिस्सा है। तो यही सब चीज मैंने पहले बहुत सोचा था, अभी मैं जब गाड़ी चला रहा था मुझे याद आ गया, तो सोचा कि आप लोगों को बता दूं। बाकी सब एकदम बढ़िया है, मजा आ गया सबको एकदम बॉयज, ठीक है। हाँ, तेरे को ज्यादा समझ में आएगा। वैसे अभी एड ब्लू का साइन आ चुका है, डीजल भी हमें भरवाना है। 83 किलोमीटर का रेंज दिखा रही है हमारी गाड़ी और 80 किलोमीटर पे ही पेट्रोल पंप है, पहुंच जाए बस वहां तक। एकदम कट टू कट है, कट टू कट है। हमने करवाई है बारिश, राजस्थान के जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ना, हम यहाँ आके हमने बारिश करवाई है। बारिश करवाने वाला ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ ऐसे ही क्रेडिट ले रहे हैं, बट राजस्थान में बारिश हुई। वो भी यहाँ जयपुर उदयपुर साइड तो होती रहती है, लेकिन यहाँ बहुत कम होती है और यहाँ बारिश हो रही है। अगर यहाँ बारिश हो रही है मतलब कहीं मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ा है, तभी उसका रिफ्लेक्ट यहाँ दिख रहा है। सुबह सुबह ही मैं बोल रहा था कि गाड़ी धोनी पड़ेगी क्योंकि गाड़ी गंदी हो गई है, और गाड़ी देखो ऊपर वाले ने बोला तथा तुम्हारी हमने सुन ली, हमारी दुआ कबूल हो गई, गाड़ी धुल गई, थोड़ा और ज्यादा जोर से होगी ना तो सब कुछ साफ हो जाएगा। हम पहुंच गए रामगढ़, राजस्थान के रामगढ़ में पहुंच गए, यूपी वाले रामगढ़ में नहीं। रामगढ़ इतना कॉमन नाम है ना, आपने वो शोले मूवी में भी देखा ना, शोले मूवी में भी डालोगे। रामगढ़ के वासियों, रामगढ़ के वासियों, ये हम आए हैं स्वागत रेस्टोरेंट। रामगढ़ थोड़ा सा आगे है यहाँ से, मतलब समझ लो 500 मीटर के बाद। वहाँ रोटी बन रही है, क्या बना रहे हो आप? सब एकदम फ्रेश। टायरिंग तो है यार, जाने का 150 किलोमीटर, आने का 150 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, थोड़ा टायरिंग तो है। पनीर, दाल फ्राई, 6 चपाती, बटर कर दो, और एक राइस, प्लेन राइस, और सैलेड। छाछ होगा आपके पास? 3 छाछ। क्या भूख लगी थी यार, फट फट सब लोगों ने प्लेट खाली कर दिया। और मैंने हमेशा से नोटिस किया है कि अगर कोई रेस्टोरेंट वेज है, प्योर वेज, तो वहाँ पर जो वेज खाना बनता है ना वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तो ये प्योर वेज रेस्टोरेंट था और खाना लाजवाब। दाल तो भाई नेक्स्ट लेवल, सब दाल चाट चाट के खा रहे। सनसेट होने से पहले हमें रिजॉर्ट पहुंचना है, क्योंकि वहां पहुंच कर सोच रहा हूं कि बाइक भी चलाना है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करनी है, वो पहुंच के बताता हूं। डीजल भरा लेंगे, राजस्थान में क्या है डीजल महंगा है, तो हम सोच रहे कि फुल नहीं करवाएंगे, 2500 का भरवाते हैं ताकि गुजरात तक पहुंच जाए, और गुजरात पहुंचने के बाद इसको फुल कर देंगे, गुजरात में सस्ता। हमारे रिजॉर्ट के पास पहुंच तो गए, लेकिन बारिश तेज हो गई, बारिश की बूंदे, भागना पड़ेगा अपने को, भागना पड़ेगा, चाबी लेके भागना पड़ेगा। चलो तैयार हो, टोपी मैंने ले चला, क्या चीज़ हो, ठीक है फिर रेडी करें, चल 1 2 3 चल चल चल, क्या अंदर ही फंस गया था क्या? गाड़ी तो धुल गई हमारी, बस थोड़ा बाद में एक हाथ मार देगा तो साफ हो जाएगी सब। चलो अभी इसमें सिर्फ एड ब्लू का काम बचा है। ऐसा होगा सोचा ना था, रेगिस्तान में बारिश हो रही है, बताओ। कि हम सम सैंड ड्यून्स आए हैं, थार डेजर्ट। यहाँ पर आके हमने कल फॉर्चूनर में बहुत फोटो खींचे, बहुत वीडियो, इसके साथ फोटोज नहीं थे, इसीलिए इसको 3 लोग मिल के खींच खाच के इसको यहाँ तक पहुँचाया गया। दिल में इच्छा थी कि इसके साथ भी फोटो, वो भी मुराद पूरी हो गई मुराद भाई की वजह से। और भाई लोग कैसे, कैसे गए बड़ा, कैसे हो मिस्के भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कहाँ से? हम लोग महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, मैं तो नंदुरबार।
मुंबई मुंबई से ही तुम लोग आज ही अभी है मजा आएगा अभी चाहिए रेव चाहिए कोई नहीं होता है होता है मजा आया क्या मजा आया तो फिर लाइक करने का शेयर करने का सब्सक्राइब करने का ये था राजस्थान में हमारा आखिरी दिन इसके बाद क्या होता है उसके लिए तो फिर कल आना पड़ेगा थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ डे आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बढ़ेगा खुदा हाफिज़ लिव अ लाइफ ऑफ ड्रीम बूम लाइक करने का पैसा लेगा क्या ऐसे ने तो वैसे ले गए क्या शबीक गधे लोग क्या क्यूट गधा जा रहे हो गधेड़ा एक की शक्ल तो तेरे से मिलती जुलती है बबलियान चेकपोस्ट ग्रेटर स्नातियों के बॉर्डर देखने का कहा जा रहा है पैदल जाएगा पैदल